हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम जम्मू से कल आए थे, लेकिन हमने गाड़ी लोड की ना, अकेला ही साथ में तरपा रसा गया था, तो पूरा रसा रात को रास्ते में ढीला हो गया। एक भाई अपने रजौरी वाले भाई मिले थे, तो भाई ने हेल्प की, मतलब पूरे गिर गए थे नीचे। अभी भी देखो कैसे लटके हुए हैं साइड से। क्या करें यार, अकेले बंदी चाय वगैरह पी के देखो आगे भी कैसे खींच सकते हैं। पूरे साइड से खिसके हुए हैं, अभी आस्ते आस्ते निकल जाएंगे, क्योंकि अब राम राम से जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं चिंगस में, ये भाई का ढाबा। तंदूर जल रहे भाई, तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे, लगे पीने चाय। और हमारे बोरे गिरने वाले हैं, पता नहीं कहाँ पे गिर जाएंगे। चलो तो एक चाय वगैरह पी लेते हैं, तो अभी आप लोग पी लो चाय। तो अभी फिलहाल हमारी गाड़ी सुबह सुबह का व्यू है मस्त सा, और अभी हमने वो उधर पहाड़ चढ़ना है जाके आगे से। तो गैस, अभी हम रात को ना लेट हो गए थे, तो अभी चिंगस में आके चाय पी, रात को रस्सा भी ढीला हो गया पूरा। देख लो गोरियां आगे को आ गई, तो यार अकेले बंदे को ना बहुत टफ रहता है। तो चलो फिर भी क्या करना है यार, काम ही करना है। तो पुंछ में जाके ना गाड़ी की फुल वॉशिंग करवानी है पहले, खाली करके। बहुत बुरा हाल है, देख लो यार, मतलब बंदा अपनी रोजी रोटी है। तो गैस, अपना पुंछ जम्मू हाईवे का ना रोड का फुल तेज़ी से काम चला हुआ है, आने वाले एक दो साल में फुल हाईवे हो जाएगा। रजौरी कर दिया क्रॉस, तो अपन ने ना तूड़ी लोड की हुई थी, तो रस्सा हो गया रास्ते में ढीला। रात को एक दो भाई मिले थे, उन्होंने मतलब रजौरी के ही हैं भाई, तो उन्होंने रस्सा टाइट करवाया था, फिर से ढीला हो गया। तो बोरे भी गिर गए अपने, तीन चार बोरे गिर गए। तो मैं जब तक गाड़ी साइड में लगा के गाड़ी के बोरे के पास गया, तो मतलब ऐसे ऐसी दुनिया में है, बोरे ही उठा के चले गए यार, ऐटो में डाले और सीधा निकल गए। तो चलो यार, हमारा क्या, हमारा कोई यही है 2000-1500-2000 रुपये कट्टे का, कोई बात नहीं, भाड़ा कम बनेगा। तो जो ले जाएगा ना, वो भी मतलब क्या, मतलब यार किसी की चोरी, मतलब किसी बेचारे का नुकसान हुआ हो तो उसका माल उठा के ले जाओ, अच्छी बात थोड़ी है। तो चलो जाने दो यार, अभी भी रास्ता ढीला पड़ा, देखो अपना माल पूरा आगे को आ गया हुआ है। तो पहुँच जाएंगे 1-2 बजे, वहाँ पे उतार देंगे, तो फिर घर को भी जाएंगे यार। घर में बहुत जल्दी जाना था हमने, लेकिन एक दिन जम्मू में टूट गया, अभी लोड करके आए थे, तो उसलिए। चलो अब जाते हैं वहाँ, फिर मिलेंगे आपको, जहाँ पे उतारेंगे तो उधर ही मिलेंगे आपको, दिखाएंगे आगे गाड़ी के, हमारे के बोरे कैसे खिसके हुए हैं, रसा पूरा ढीला हो गया। रात को दो भाई मिले, उनके लिए बहुत यार, मतलब वीडियो नहीं बना पाए उस टाइम, अपनी टेंशन में थे, लेकिन भाइयों ने बहुत मदद की। दो भाई थे अपने जोरी के, तो गाड़ी वाले ही थे भाई, तो मतलब उन्होंने बहुत हेल्प किया, रसा तो अपने को मतलब पूरा टायर करवाया। लेकिन ये है ना, बैठता है ना जब, तो फिर नीचे हो जाता है पूरा। तो गाइज, अभी हम पहुंच गए सुरनकोट में। तो ये देखो लो, सामने पहाड़ों पे स्नो पड़ी हुई है, बर्फ देख लो। और आगे हमारे एक डंपर जा रहा है, लोकल ही है यहीं का, बालाकोट एक्सप्रेस लिखा है बर्फ के पास। और उधर हमारी गाड़ी उतर रही है, आपको दिखाते हैं जाके गाड़ी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पहुँचे हम 2 बजे, अभी 2:30 बजे हमने खाना खाया। तो अपनी गाड़ी देख लो, ऊपर पहाड़ों में मस्त इधर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो चलो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए, अपनी गाड़ी खाली कर दे। ये हो रही है गाइस, अपनी गाड़ी खाली, यहाँ पे देख लो बारिश आने वाली है ऊपर से पूरा एकदम। तो गाइस, अभी हमारी गाड़ी खाली हो गई आधी, यहाँ पे उतार दिया माल आधा, हमने जाके उतार रहे पुंछ में। तो वो जो तूड़ी की बोरियां गिरी थी रास्ते की, 7 बोरियां, अब 7 बोरियों का यहाँ पे कट रहा है 2800 रुपया, तो वो जेब से ही पड़ेगा क्या कर। तो गाइस, फाइनली हम माल उतार के आगे, वो सामने पार बर्फ के पास गए हुए थे हम,
उधर उतारा, अभी थोड़ा सा और रह गया, वो अपने गांव में ही उतारना है जाके। तो ये अभी जम्मू पुंछ हाईवे ही है, तो चलो चलते हैं आस्ते आस्ते दरिया के किनारे किनारे सीधा शेरे कश्मीर पुंछ। आगे हमारे एक टैक्सी कैब जा रही है, अब टेंशन नहीं है क्योंकि अब हाइट हाइट वाला माल नीचे हो गया, लेकिन 7 बोरे गिर गए, उठा लिए, 3 तो मेरे सामने उठाए किस ऑटो वाले ने। चलो यार, मतलब मैं नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऑटो वाला उठाएगा यार, ड्राइवर बंदा उठाएगा। मतलब ऐसी दुनिया भी है ना यार आज की डेट में, बंदा ये ना सोचे कि ड्राइवर, मतलब अच्छे ड्राइवर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब बीच में ऐसे भी है ना, बीच में 1-2% ऐसे भी होते हैं कि बंदा पूरे ड्राइवरों को ही बदनाम कर देते हैं। तो बाकी चलो, तो गाइस फाइनली आप पहुँचे हैं अपने पुंछ में, तो गाड़ी लगा दी सर्विस स्टेशन में, अभी मरवाएंगे थोड़ा पानी गाड़ी को, तो फिर निकालेंगे यहाँ से। तो अपने जहांगीर भाई, ये अपने जहांगीर भाई गाड़ी को वॉश कराना स्टार्ट कर दिया। और जहांगीर भाई बढ़िया मज़े में भाई के पास, यार हम इधर ही दिलाते हैं गाड़ी आके। तो गाइज आज फाइनली काफ़ी देर के बाद आज गाड़ी को हम धुला रहे हैं, वॉशिंग करवा रहे हैं। चले वीडियो बनाना है भाई की गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। आज गाड़ी का बहुत बुरा हाल था गाइज, देख लो, अपने जहांगीर भाई के पास ही मैंने आके धुलाई। मैंने सोचा वैसे वैसे बंदे के पास नहीं धुलानी, क्योंकि अपने हमारे पुंछ में ना गाड़ी एक नंबर मस्त धोते हैं बंदे। अभी थोड़ी थोड़ी अपनी लुक में आ रही है गाड़ी, तो ये देख लो इधर पार निकाली गाँव पूरा, क्या मस्त लग रहा है गाइस देख लो। फिलहाल गाइस हमने अभी थोड़ा सर्विस करानी है, पूरी नहीं करवानी आज, क्योंकि अपना ना मतलब गाड़ी अभी माल है गाड़ी में पड़ा हुआ, वो देख लो ये खाली करके फिर फुल सर्विस करवाएंगे यहीं पे कल परसों तक। बाकी निगाली साहब सामने देख लो इधर गाँव, तो ये भाई का सर्विस स्टेशन है, कोई भाई आए सर्विस कराने के लिए। भाई का नाम है जहांगीर, नमन जहांगीर भाई, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो चलो गाड़ी, तो गाइस फाइनली हो गई अपनी गाड़ी रेडी, अभी रेडी नहीं हुई है, मतलब थोड़ा सा पानी है हमारा आज, क्योंकि खाली करके ना फिर फुल सर्विस करवाएंगे आज, थोड़ा घर में भी जल्दी है, बाद में आना फुल करके। हाँ ये अपने जहांगीर भाई है, तो कोई भी भाई आए करवा दो 10K बस होने वाले यार बहुत जल्दी, पार्टी होगी सबसे। तो अभी पीते हैं चाय शाय वगैरह, भाई को भी पिलाते हैं चाय। तो और बढ़िया मज़े में भाई यार, मस्त अपना बस सब मज़े में। तो आ रही मैं आया था जम्मू से, सरंद से आया था, तो अभी अपनी गाड़ी जम्मू में पड़ी हुई थी, फिर आ गया मैंने। लो ये पियो, नहीं पियो पियो पियो, ओ ये गर्म है। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपने पुंछ सिटी टाउन में, तो हम अपने अभी स्टैंड के पास पहुंचने वाले हैं। तो ये आगे अभी आरे के पास पहुंच गए, जहां से हम अपने घर की तरफ को घूमेंगे, तो उधर पहुंचने वाले हैं। तो चलो फिलहाल अभी गाइस आरे के पास चढ़ाई में पहुंच गए, तो यहाँ पे जहाँ सोमा वगैरह अपने गांव की लगती हैं उधर ही पहुँच गए। ये ना अपना घर सामने दिखना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर सामने जो मतलब अभी थोड़ा वो सामने दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अभी एक मोड़ चढ़ेंगे तो पूरा अपना घर दिखने लगेगा। इस जगह का नाम है कामसर, पूरा ये मतलब कामसर चढ़ के जाएंगे। क्या हाल है, ये देख लो, ये इधर बिल्कुल पहले बस्ती नहीं होती थी, आजकल इधर पूरा शहर बन गया, मतलब यहाँ आने वाले टाइम में ना ट्रैफिक इतनी हो जाएगी बात ही मत पूछो। गाइस फाइनली अपना यहाँ पे अनलोड हो रहा है, आधा उधर रास्ते में उतार के आ गए थे, तो बाकी यहाँ पे उतार रहे हैं जो बचा हुआ है।